कोई भी नेता जब चुनाव लड़ता है, जीतता है और सत्ता की सीढ़ी तक, सत्ता की कुर्सी तक पहुंचता है, तो तमाम ऐसे चेहरे होते हैं जो इस सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचने में मददगार होते हैं। कुछ लोग आगे आकर फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह काम करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुल पिक्चर की तरह पीछे सारी व्यवस्थाएं संभालते हैं। और आज ऐसा ही एक नज़ारा मैं दिखाऊंगी कि चुनाव जीते एक लगभग एक वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन ऐसे जो कार्यकर्ता जिन्होंने सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचाया है उनको सम्मानित करने का आज एक सराहनीय कार्य किया है। पटला से विधायक, हरियाणा सरकार में चेयरमैन नैनपाल रावत जी ने कैसे सोचा ये कि जो लोग पीछे बढ़कर काम, पीछे हटकर काम करते हैं, चाहे उसमें ये छोटा सा बच्चा हो या 80 साल के बुजुर्ग हो या ये माताएं हो, कैसे इनको चिन्हित किया, ये जानते हैं नैनपाल रावत जी से। नैनपाल जी, मकर संक्रांति का दिन है, लोग दान पुण्य करते हैं, लेकिन आज आपने उन लोगों को खोज निकाला जो शायद जिनको उम्मीद भी नहीं थी कि वो आपके चुनाव में मेहनत कर रहे हैं और आज इस तरह से उनको आप सम्मान देंगे। पटना क्षेत्र के जितने भी मेरे होनहार कार्यकर्ता हैं, मेरे साथी हैं, माता बहन बुजुर्ग भाई नौजवान, इवन छोटे छोटे बच्चों को मैं जानता हूं, और हर व्यक्ति की पिक्चर, हर व्यक्ति का फोटो मेरी आंखों में है। क्योंकि ऐसे बुरे वक्त में जब सारी पार्टियों ने मेरे सर से हाथ उठा लिया हो और इन सब का आशीर्वाद और प्यार मुझे जब उस समय भरपूर मात्रा में मिला हो, तो मैं इस क्षेत्र के, मुझे 66,000 के लगभग वोट मिला है, मैं एक एक वोटर को जानता हूँ, हर व्यक्ति को जो आज अभी घर बैठा है। ये कुछ ऐसे लोग हैं, मैं उन सबका सम्मान करता हूँ। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो उस समय जिन्होंने आगे आकर, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे 80 साल का मेरे बुजुर्ग हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं। एक बच्चा है ओंकार सोते गांव से, उसने 170 मीटर ऊपर खम्भे पर चढ़कर, टावर पर चढ़ करके 170 मीटर ऊपर जो मेरा निशान था, झंडा था, उस झंडे को 170 मीटर ऊपर जाकर के जहां दिखाई भी नहीं देता वहां उसने उसको लगाने का कार्य किया। एक ये बच्चा छोटा सा है, ये जो माता बहनों को ले जाकर अंदर वोट डलवा कर 5-5, 7-7, 10-10 लोगों को अलग अलग जाके पूरा दिन बूथ पे जो खड़ा रहा। ये 80 साल के बुजुर्ग हैं हमारे चाचा हुकम जी, इन्होंने जब चुनाव का समय था, जब नॉमिनेशन करने गए थे, तो ये कन्वेंसिंग में नहीं गए, ये वहाँ सेक्रेटरियट में जाकर जहाँ मुझे पर्चा दाखिल करना था वहाँ इन्होंने जाकर मुझे गोद में उठा लिया। और ये पूरा चुनाव सोए ही नहीं, जब तक मैं चुनाव में रहता था, जब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाता था, ये घर नहीं जाते थे। ऐसे एक नहीं, हजारों कार्यकर्ता हैं। मैं ये नहीं कहता कि केवल इन्हीं कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीब भी हैं, छोटे भी हैं, बच्चे भी हैं, 80 साल का बुजुर्ग भी है, माता भी हैं, इन्होंने वैसे तो पूरे पटना क्षेत्र के जितने वोट मुझे मिले हैं उन परिवारों ने हृदय से, दिल की गहराइयों से अपने हर ताकत लगा करके मुझे विधानसभा पहुंचाया है। लेकिन ये कुछ ऐसे चिन्हित लोग हैं जहाँ किसी ने मुझे गाना गा करके जो मुझे जो ना उत्साहित किया, या अन्य माध्यम से, या आंसुओं के माध्यम से, जैसे मेरी ये माता हैं अपने साहूपरा से, ये उस समय रोने लगी। ऐसी बहुत सारी माताएं हैं, 80-80 साल की बुजुर्ग माताएं हैं, जिनका मैं जीवन में, मैं और मेरा परिवार कभी ये कर्ज नहीं उतार सकता। तो मैं जानता हूं कि नर की सेवा ही नारायण सेवा है, इसलिए मुझे इन्होंने विधान के सभा में विधायक के रूप में पहुंचाया है। मैं भी जनसेवक के तौर पर परमपिता परमात्मा का रूप इनको मानकर पटना क्षेत्र की जनता की तत्परता से, तन्मयता से सेवा करता रहूँगा। इसी का जो आज उदाहरण है कि मैं हमेशा जो अन्य कार्यकर्तागण भी रह गए हैं उनको भी इसी प्रकार का सम्मान देता रहूंगा। जी बिल्कुल, इन लोगों का दिन खास बनाया है आज विधायक नैनपाल रावत जी ने। बाबू जी, आपको उम्मीद थी कि चुनावों में आपने इतनी मेहनत की, ना दिन देखा ना रात देखा, ना गर्मी देखी ना अपनी सेहत देखी इस उम्र के पड़ाव पर आकर भी, आज ये सम्मान पाकर आपको कैसा लग रहा है? मुझे जितनी भी जिंदगी मेरी इतनी उम्र है कि मैंने कोई MLA नहीं देखा, कोई भी ऐसा जीव हो नहीं सकता और नहीं होगा। तो आपकी उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं, कैमरा चल रहा है, आप अपनी मन की बात कह सकते हैं, कोई कमी कोई शिकवा अगर रह गया हो तो? कोई भी कमी नहीं रही, जब ये हमारे भाई साहब सब यतीति गण खड़े हैं और हमारे विधायक साहब के बीच में कोई भी कमी ना, मैं बहुत खुशी हूँ आत्मा से, दिल से।
जी बिल्कुल। और देखिए एक महिला मैं देख रही थी कि जब सम्मान दे रहे थे उस वक्त भी आंखें नम थी और अभी भी जो है खड़े हैं यहाँ पर। क्या नाम है आंटी आपका? विधायक जी, जब नेता से विधायक बनने की जब कड़ी चल रही थी, रैलियां थी, सभाएं थी, आप लोग पीछे से पूरी सपोर्ट कर रहे थे, आज सम्मान मिला है। ज्यादातर कार्यकर्ता पुरुषों को सम्मान मिलता है लेकिन आज चाहे बच्चे हो चाहे महिलाएं हैं, सभी को पूरा एक समान ऑनर दिया है, सम्मान दिया है। बहुत खुश हूँ मैं, इतनी है ही, मैं बहुत खुश हूँ, हमेशा खुश रहेंगे इनका परिवार सब खुश। आप क्या कहना चाहेंगे? आपके आंसू ना पहले रुक रहे थे और ना अब रुक रहे हैं। हमारी बहन बहुत ज्यादा खुश है, छोटी बहन है ये हमारी ततातुर से। चलिए एक बच्चा और है, पहले विधायक जी मैं जानना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा एक्टिव और आप इसको खुद नेता है लेकिन इसको नेता जी क्या क्या संबोधित कर रहे थे? जी बिल्कुल, जब काउंट अपनी पोलिंग हो रही थी, वोट पड़ रही थी, तो ये बच्चा मुझे गांव के कोने पे मिला और साइकिल पे था ये, और इसने झंडा लगा के साइकिल पे कई सारे झंडे लगा रखे थे, तो ये मेरे से बोला कि नेताजी आप इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, आप चुनाव जीत गए हो और इतनी वोट में अपने हाथ से डलवा के आए हो, मेरी माता बहन सब साथ में गई हैं, तो ऐसे इस तरह से उनको सबको पूरी बुजुर्ग माताओं को मैं लेकर गया और आपका जो बटन है वो दबाया गया और आप चुनाव जीत गए हैं। जी बिल्कुल, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। क्या नाम है आपका बच्चे? विशाल रावत। क्यों नैनपाल रावत को सपोर्ट किया आपने जबकि इतने सारे लोग चुनाव लड़ रहे थे? मैं अच्छी लगती हूँ। अच्छे लगते हैं आपको? आपका क्या नाम है? आप विधायक जी बता रहे थे कि आप 170 मीटर ऊंचे टावर पर चढ़कर झंडा लहरा रहे थे उनका, सब डोल रहे थे, मेरा मन करा मैंने भी लगा लिया। क्यों मन किया आपका? क्या कुछ ऐसी अच्छाई देखी आपने? मैं क्योंकि नेता तो सारे ही अच्छी बातें करते हैं जब इलेक्शन होता है तो। मैं कभी देखे ना, देख के इनको झंडा लगा दिया, कभी वहाँ पे गांव में रो रहे थे जब। अब पछता तो नहीं रहे हो कि झंडा लगाया? तो नहीं पछता रहे, खुश हो आप? आप भैया क्या करते थे इलेक्शन में, क्या आपने मदद की विधायक जी की इलेक्शन में? मैंने विधायक साहब की मदद करी थी, मैंने 2-3 वोटो करके और एक ईको गाड़ी थी मेरे फ्रेंड की, हमें पता पड़ जाता था कि विधायक साहब उस गांव में जाएंगे, उनसे पहले जाके हम गाना बजा के उनके लिए जनता एकत्र करते थे पूरे जोर शोर से, पूरी जनता को इकट्ठा करके शोर मचा के विधायक जी पहुंचते थे, तो वहाँ भीड़ भड़का करने का हमारा जी बिल्कुल। देखिए प्रचार, चुनाव में प्रचार का एक अहम योगदान होता है। मैं कैमरामैन से कहूंगी कि एक बार जरूर इन उंगलियों को दिखाए जो विधायक नैनपाल रावत की शक्ति बनकर, एक मुट्ठी बनकर इनकी ताकत बनी और इनको विधायक ना केवल चुना बल्कि आज हरियाणा सरकार में चेयरमैन भी है। आज जो सम्मान विधायक नैनपाल रावत जी ने इन लोगों को दिया है, ना केवल इन लोगों का मनोबल बढ़ा रहा है बल्कि तमाम ऐसे हजारों कार्यकर्ता इनके चुनाव में इनके साथ लगे जो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहे हों, आज उन्हें भी संजीवनी देने का काम पृथला विधानसभा क्षेत्र में किया गया है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।